तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो रिलीज तो 2013 में हुई लेकिन इसके VFX इतने गजब के हैं कि 2023 में रिलीज होने वाली मूवी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन की मूवी क्रिश 3 के बारे में। तो अगर आप भी इस मूवी के फैन हो या फिर ऋतिक रोशन को पसंद करते हो तो फटाक से वीडियो को लाइक करके आ जाओ वीडियो के अंदर। दोस्तों आपको मूवी के अंदर ऋतिक रोशन का स्टेचू वाला सीन तो याद ही होगा जिसको परफेक्ट लुक देने के लिए रियल में स्टेचू बनाया गया था। इसके अलावा ऋतिक रोशन को भी एक जगह खड़ा रहना पड़ा था, आप स्क्रीन पर शूटिंग होते देख सकते हैं। मूवी में क्रिस को उड़ता हुआ दिखाने के लिए ग्रीन सेटअप बनाया गया था जहां उन्हें रस्सी से लटकाकर सीन को शूट किया गया और फिर एडिटिंग के टाइम इन रस्सियों को रिमूव करके 3D मॉडल के साथ जोड़कर इस वाले सीन को कंप्लीट किया गया और क्रिस को हवा में जंप करने और घूमते हुए दिखाने के लिए इसी ग्रीन सेटअप का यूज किया जाता था, आप स्क्रीन पर शूटिंग होते देख सकते हैं। दोस्तों आपको मूवी के अंदर वो वाला सीन तो बिल्कुल रियल लगा होगा जिसमें एक बिल्डिंग का हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है और फिर वहाँ पर क्रिस आकर अपने हाथों से रोक लेता है। इस सीन को क्रिएट करने के लिए ग्रीन सेटअप का यूज लिया गया जिसमें बिल्डिंग को दिखाने के लिए एक हल्के मटेरियल का यूज लिया गया और कुछ लोगों की हेल्प लेकर इस सीन को क्रिएट किया गया। इसमें क्रिस को हवा में दिखाने के लिए क्रिस के ऊपर पंखे चलाए गए जिसके बाद एडिटिंग की हेल्प से 3D मॉडल के साथ जोड़कर सीन को कंप्लीट किया गया, आप स्क्रीन पर शूटिंग होते देख सकते हैं। दोस्तों मूवी का वो सीन सच में बहुत ही बेहतरीन था जिसमें काल और क्रिस फाइटिंग करते करते बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। इस सीन को ग्रीन पर्दे पर ही शूट किया गया था और बिल्डिंग के अंदर दिखाने के लिए बिल्डिंग का 3D मॉडल बनाया गया जिसके बाद इस वाले सीन को कंप्लीट किया गया, आप स्क्रीन पर शूटिंग होते देख सकते हैं। इस कार को उठाने के लिए कार को रस्सी से बांधा गया था और इस वाले सीन में लड़की को बचाने के लिए लड़की और क्रिस को रस्सी से बांधा गया और इस सीन में क्रिस को बच्ची को बचाते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी थी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने रोबोट या फिर बाहुबली मूवी के बिहाइंड द सीन की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से करना।